इस्पात संयंत्र द्वारा की गई बेदखल की कार्यवाही पर रोक लगाने प्रभावितों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेक्टर 6 में आवास खाली कराने चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को संयंत्र के आवासों में निवासरत लोगों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बेदखल की कार्रवाई किए जाने के पूर्व व्यवस्थापन की मांग की। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संयंत्र के जर्जर मकानों को खाली करवाने अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा मुनादी भी कराई जा रही है। इसकी जद में आने वाले प्रभावितों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्थापन दिए जाने के बाद बेदखल की कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने से प्रभावित आक्रोशित हो उठे। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांग पर अमल नहीं करता तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। यहाँ पर इस मांग को लेकर आए थे कि जिस तरीके से भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वहाँ पर रह रहे श्रमिकों को बिना व्यवस्थापन के निकाल दी जा रही है, घर से बाहर बेदखल करने की जो साजिश चल रही है, हम चाहते हैं कि इनका व्यवस्थापन हो। प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों ने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि हम गरीबों को आवास देंगे, लेकिन यहाँ गरीब को आवास देना तो दूर, यहाँ गरीब को दोपहर में, यहाँ भरी दोपहर ही में जो है ना घर से बाहर निकालने का फरमान माइक से जारी किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यवस्थापन हो, तभी हम वहाँ से हटेंगे। बिना व्यवस्थापन के नहीं हटेंगे, चाहे लाठी चले या गोली चले, क्योंकि हमारा हक है, हम भारतीय नागरिक है, हम पार्षद चुने हैं, सांसद चुने हैं, हम विधायक चुने हैं, यहाँ जो पार्षद सांसद विधायक ये मुख्यमंत्री उसको भी हम चुने हैं, उसी घर में रह करके, आधार कार्ड भी उसी के नाम से है, राशन कार्ड भी उसी के नाम से, आखिर हम जाए कहाँ। हम चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि हमको बिना व्यवस्थापन के वहाँ से हम निकलेंगे नहीं। आज कलेक्टर साहब ने कहा कि ये भिलाई प्लांट का मामला है, भिलाई देखेगा। हमारा कहना है कि कलेक्टर साहब, भिलाई प्लांट भी जो है इस दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है, अगर भिलाई प्लांट में कुछ होता है तो दुर्ग जिला का पूरा प्रशासन वहां पर काम करने जाता है, हमारे लिए क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे, आने वाले दिन में हम नगर पालिका घेरेंगे, आने वाले दिन में हम टीए बिल्डिंग घेरेंगे। अगर कलेक्टर साहब आज हमारी बात नहीं मानी है तो हम कलेक्टर कार्यालय को भी घेरेंगे, ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई। हम चैप्टर 6 के ये से हैं, एमआरसी के। कम से कम 500 लोग हैं जो आज बेघर हो रहे हैं, और अभी हम जो इस वक्त यहाँ आए कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि ये मैटर भिलाई स्टील प्लांट का है, कलेक्टर ऑफिस में आए तो। लेकिन हम ये एक उम्मीद लेके आए थे कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आज हमें एकदम अर्जेंटली बेघर किया जा रहा है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें यहाँ पे वोटिंग के लिए जो मतलब मान्यता दिया गया, पार्षद चुने, प्रधानमंत्री चुने, लेकिन आज वो लोग हमारे सामने कोई नहीं आए। वो लोग सब हमको मतलब हमारी कोई सुख दुख में सहायता नहीं कर रहे हैं, ना आगे आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का हमें विश्वास दिला रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आज यहाँ अपने बलबूते जनता हम मिल के यहाँ पे आए हैं कि हमें जब तक हमारा व्यवस्था ना हो, हमें बेघर ना किया जाए। क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा था उस समय हमारी हम सभी लोगों की घर की नौकरी, जो हमारे हस्बैंड हैं, जो भाई लोग हैं, उनका नौकरी चला गया, हम लोग का जीवन और अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ चुका है। इस और ऐसे समय बच्चों का फीस है, राशन है, तो अब ऐसे समय हम कहाँ जाएंगे, और अदरवाइज कहीं जाते हैं तो किराए कहाँ से अर्जेस्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा व्यवस्था ना किया जाए, स्थायी व्यवस्था हमारा ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना भी निकला है लेकिन हमें वो उसका लाभ नहीं मिला है। तो अभी तक क्यों नहीं मिला है, जैसे कि अभी 28,000 मकान बनाया गया है, जिनमें से 16,000 लोगों को मकान मिला गया है, और जो बचे हैं अभी हम लोग 500 लोग जो बेघर हुए हैं, तो कृपया करके ये मैसेज प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँचे कि हमको इसका लाभ मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।